हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त कैलोमैन स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं बैटरीज के बारे में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास दो तरीके के बैटरीज रखी हुई हैं, जैसे कि ये लेड एसिड बैटरी है और इस तरफ लिथियम बैटरी है। तो इन बैटरीज के डिफरेंस के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे इस चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें एंड दोस्तों के साथ शेयर करें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास दो तरीके के बैटरी रखी हुई हैं। ये इधर लेड एसिड बैटरी है और इधर लिथियम बैटरी है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो हम बात करें लेड एसिड बैटरी की। लेड एसिड बैटरी एक पुरानी ओल्ड जनरेशन की बैटरी है, जैसे कि जो पुरानी टेक्नोलॉजी है वो लेड एसिड बैटरी में इस्तेमाल किया जाता है। लेड एसिड बैटरी एक मेंटेनेंस बैटरी होती है, जो कि साल 6 महीने में आपको मेंटेनेंस देखने को मिलता है। एसिड भरा होने की वजह से इसमें आपको वजन भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। वहीं अगर हम लिथियम की बात करें, तो लिथियम में एक नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि ये सूखी बैटरी होती है। इसमें आपको कोई मेंटेनेंस देखने को नहीं मिलता है। इसमें सूखी बैटरी होने की वजह से ये कम वजन में होती हैं, जैसे कि लेड एसिड के मुकाबले इसका वजन जो होता है वो कम होता है। अगर हम लेड एसिड में बात करें स्पेस की, तो ये काफ़ी ज़्यादा स्पेस लेती है। जैसे कि ये बैटरी, एक बैटरी जो होती है लगभग 12 वोल्ट की होती है। 12 वोल्ट की एक बैटरी होती है, तो अगर हमें 48 वोल्ट लगाना पड़े, 48 वोल्ट के लिए हमारा एनर्जी लेना पड़े, तो इसके लिए 4 बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है। अब 4 बैटरी का वजन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से एक आदमी उसे यूज आसानी से इधर उधर नहीं कर सकता है और वो मेंटेनेंस भी रहता है। वहीं अगर हम इस बैटरी की बात करें, तो इसमें कोई एसिड वगैरह नहीं भरा होता, ये सूखी बैटरी होती हैं, इसका वजन इसीलिए कम होता है। और ये एक ही बैटरी आपको 48 वोल्ट में देखने को मिल जाती है। जैसे कि अगर आप इस तरफ अगर इस लेड एसिड की बात करें, तो एक बैटरी 12 वोल्ट ही होती है। वहीं अगर लिथियम के बैटरी की बात करें, तो लगभग 48 वोल्ट की एक ही बैटरी देखने को मिल जाती है, जिसकी वजह से एक बैटरी होने की वजह से इसका वजन कम हो जाता है और एक आदमी इधर उधर आसानी से कर सकता है। ये जो लेड एसिड बैटरी है, ये काफ़ी ज़्यादा पुरानी टेक्नोलॉजी है, लेकिन पुरानी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी ये अभी सबसे ज़्यादा मार्केट में यूज करी जा रही है। अगर हम प्राइस की बात करें, तो प्राइस में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिल जाता है। ये बैटरी या लेड एसिड जो बैटरी होती है वो सस्ती मिल जाती है, और ये बैटरी काफ़ी ज़्यादा महंगी मिल जाती है। तो अगर हम वारंटी की बात करें, तो ये लेड एसिड बैटरी आपको 3 से 5 साल तक आपको कंपनी की तरफ से वारंटी मिल जाती है। हालांकि इसकी जो लाइफ होती है 7 से 8 साल तक होती है, लेकिन कंपनी की तरफ से 3 या 5 साल की आपको वारंटी देखने को मिल जाती है। वहीं अगर हम लिथियम बैटरी की बात करें, तो लिथियम बैटरी आपको 5 साल की वारंटी मिलती है, जिसकी लाइफ होती है 7 से 8 साल तक आपको आसानी से चल जाती है। चार्जिंग की बात करें, तो चार्जिंग लगभग ये लेड एसिड बैटरी लगभग 7 से 8 घंटे में फुल चार्ज हो जाती है। डिपेंड करता है कि आप किस चार्जर से चार्ज कर रहे हैं, मतलब क्या आपका इन्वर्टर किस क्वालिटी का है, उसी हिसाब से ये लगभग 7 से 8 घंटे में आसानी से चार्ज हो जाती है। वहीं अगर हम लिथियम बैटरी की बात करें, तो लगभग ये भी 7 से 8 घंटे में चार्ज हो जाती हैं, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती हैं, काफ़ी हीट भी हो जाती हैं, तो इसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। अगर हम वज़न की बात करें कि कौन सी बैटरी कितने वज़न की होती है, तो ये लेड एसिड बैटरी होती है 7 से 8 किलोग्राम की होती है। तो एक बैटरी ये लगभग 12 वोल्ट की आती है, तो 7 से 8 किलो होती है। अगर हम इसे 48 वोल्ट में करते हैं, तो आपको 12 वोल्ट मतलब 48 वोल्ट का अगर हम करते हैं, तो 12 वोल्ट की आपको 4 बैटरी लगानी पड़ती है, जिसकी वजह से इसका वज़न जो होता है वो बढ़ जाता है। वहीं अगर हम लिथियम बैटरी के वज़न की बात करें, तो ये एक ही बैटरी 48 वोल्ट की आती है, तो इसका वज़न लगभग कम हो जाता है। अगर हम बात करें इस बैटरी को हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, तो लेड एसिड बैटरी मोस्टली ज़्यादातर घरों में यूज करी जाती है, जो इन्वर्टर या एनर्जी को सेव करने के लिए ये ज़्यादातर यूज करी जाती है। अगर हम वही बात करें ये लिथियम बैटरी की, लिथियम बैटरी ज़्यादातर ई रिक्शा या फिर होम, कहीं भी आप आसानी से यूज कर सकते हैं। बस इसमें एक यही इशू रहता है कि ये फटने का भी खतरा रहता है, तो आप उसी हिसाब से इसे यूज कर सकते हैं।